हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एविएशन टेक ऑफिशियल। आज मेरा वीकेंड है तो सोचा क्यों ना बाहर घूम के आया जाए कहीं। तो मैंने डिसाइड किया एक मंदिर जाके आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर कोलकाता के सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर वैसे तो काली घाट है, उसके बाद देखें तो ये मंदिर है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जिसका नाम है दक्षिणेश्वर मंदिर, जो कि वहाँ पर काली जी का मंदिर स्थापित है वहाँ पर। तो चलिए गाइज, मैं यहाँ पर कैब में बैठा हुआ हूँ और ये एयरपोर्ट का रास्ता है, एयरपोर्ट से दक्षिणेश्वर जाने वाला रास्ता है। चलिए आप देखिए व्यू और मिलते हैं मंदिर में। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है इधर तो, और सामने मंदिर का गेट दिख रहा है, मेन गेट जहाँ से कैब इंटर करेगा। ये देखिए ऊपर शेर का एक स्टैचू लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, और यहाँ पर गार्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा टाइट है। और इधर पार्किंग का एरिया है जो कि जाकर ये गाड़ी पार्क होगा वहाँ पर और हमें ड्रॉप करेगा। काफ़ी दूर में मंदिर है, आप मंदिर देख पा रहे हैं, बाहर से मंदिर दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है ये। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर घूमने आते हैं, इस मंदिर का दर्शन करने आते हैं। तो गाइज हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, गेट पर, मंदिर के गेट पर आने ही वाले हैं, उतरने ही वाले हैं, और उतर कर अंदर का मैं आपको व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। तो गाइज हम लोग मंदिर के गेट के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो, भगवान की फ़ोटो मिल रही है, कई सारे डिवोशनल आइटम मिल रही है, और कुछ खाने पीने का भी सामान है। यहाँ पर आप देखिए सामने लंगूर बंदर भी है जो कि काफ़ी लग रहा है फ्रेंडली का नेचर का है, तो दिख रहा है सब बैठे हुए शांति से, बंदर लंगूर है सारे।
सामने आंटी जो बेच रही है चूड़ी दिख रहा है जो वाइट कलर का, वो तो आप जानते ही होंगे बंगाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशन है इसे पहनने का। जो भी मैरिड औरतें हैं वो उसे पहनती है, और ये प्योर शंख का बनता है। और इधर कुछ मूर्तियाँ, ये मंदिर में जाने का मेन एंट्री है। और इसके बीच में जो दुकानें दिख रही है, ये काफ़ी ज़्यादा मिठाई की दुकानें, लाइन में लगा हुआ है सारा, लाइन से लगा हुआ ही एक मिठाई की दुकानें हैं। और यहाँ पर पूजा की थाली भी मिलती है। और गाइस यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि कोई भी एक्स्ट्रा सामान ले जाना अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर, तो इन्हीं सब दुकान में सामान को जमा करके टोकन देता है। तो कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा बैग या फिर मोबाइल कैमरा नहीं ले जा सकते हैं। तो शायद ही मैं आपको अंदर का व्यू दिखा पाऊँ। तो मैंने यहाँ पर सारा सामान जमा कर दिया हूँ, अभी अंदर जाने वाला हूँ। सिक्योरिटी चेक सामने दिख रहा है, और ये मंदिर का पूरा प्रीमिसेज है। यह मंदिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कर्म भूमि रही है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण सन 1847 में प्रारंभ हुआ था। जान बाजार की जमींदार रानी रासमणि ने स्वप्न देखा था, जिसके अनुसार माँ काली ने उन्हें निर्देश दिया कि मंदिर का निर्माण किया जाए। इस भव्य मंदिर में माँ की मूर्ति श्रद्धापूर्वक स्थापित की गई। 1855 में यह मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। यह मंदिर 25 एकड़ में स्थापित है, तो आप समझ सकते हैं कितना दूर में फैला हुआ यह मंदिर है। दक्षिणेश्वर मंदिर देवी माँ काली के लिए ही बनाया गया था। दक्षिणेश्वर माँ काली का मुख्य मंदिर है। मंदिर के अंदर में चांदी से बनाए गए कमल के फूल, जिसकी हजार पंखुड़ियाँ है, पर माँ काली शास्त्रों सहित भगवान शिव के ऊपर खड़ी हुई है। माँ काली का मंदिर नवरत्न की तरह निर्मित है, और यह 46 फुट चौड़ा तथा 100 फीट ऊंचा है। यहाँ की सबसे और अट्रैक्टिव चीज़ है कि यह मंदिर गंगा नदी के किनारे स्थापित है, जो कि हुगली रिवर भी बोलते हैं, जिसका नाम हुगली नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर में 12 गुंबद है। यह मंदिर हरे भरे मैदान पर स्थित है। इस विशाल मंदिर के चारों ओर भगवान शिव के 12 मंदिर स्थापित किए गए हैं। भाई अंदर कैमरा ले जाना मना है, तो मैं अंदर घूमकर आता हूँ, और उसके बाद हम लोग चलेंगे बेलूर मठ की तरफ, जो कि हुगली रिवर से क्रॉस करके जाना पड़ेगा हमें। तो मिलते हैं कुछ देर बाद।
tough and wanna hate this, I'll always show up. और यहाँ पर शिप आ चुका है गाइस, तो पहले वहाँ से तो शिप वाले पैसेंजर निकलेंगे, फिर हम लोग जाएंगे। वहाँ पर पैसेंजर निकल रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग भी जा रहे हैं ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो। और फाइनली मैं यहाँ पर शिप के ऊपर चढ़ गया। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यवस्था किया गया है, सारे लोग के लिए बेंच लगाया गया है, बेंच पर बैठ सकते हैं हम लोग और व्यू का आनंद उठा सकते हैं। तो गाइस हमारा शिप स्टार्ट हो चुका है और अपने पोजीशन से मूव कर रहा है, तो हम लोग ब्रिज के नीचे नीचे जाएंगे, क्रॉस करेंगे ब्रिज से होते हुए और बेलूर मठ की तरफ प्रस्थान करेंगे। और ये गाइस दक्षिणेश्वर मंदिर का पीछे का व्यू है, देखिए कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है ये। तो गाइस ये बेलूर मठ का नदी के किनारे से व्यू दिख रहा है, जो कि इस मठ के बारे में बात करें तो बेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बेलूर में स्थित है। इसका निर्माण स्वामी विवेकानंद जी ने किया था 1938 में। कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। अभी शाम के 5:30 बज रहा है, बहुत कम ही चांस है कि हम लोग को अंदर एंट्री मिले, क्योंकि 5:30 के राउंड में ये बंद हो जाता है। फिर भी हमने चांस लिया, यहाँ पर आया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है और काफ़ी ज़्यादा दूर में है। और यहाँ पर गाइस हमें पता चला है कि यहाँ पर ऑल रिलीजन के, इस्लामिक, मुस्लिम और हिंदू, सारे लोगों के यहाँ पर मंदिर है, जो कि एक सेकुलर नेशन का एग्जाम्पल देता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी इस बात को मानते थे। Dreaming, but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the
counting hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. का रास्ता दिखा रहा है। और ये गाइस मैंने पहले ही बोला था बंद होगा और यहाँ पर गेट बंद है। ये 5:30 तक ओपन ही रहता है और हम लोग 5:35 के राउंड में पहुँचे हैं तो ऑफकोर्स बंद ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे और पहले आएंगे और अंदर का व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में।